इस वक्त जो आप सोच रहे हैं क्या वो विश आपकी पूरी होगी? तो आज हम देखने वाले हैं कि जो विश आप सोच रहे हैं वो आपकी पूरी होगी या नहीं। जब आपके सामने ये वीडियो अपीयर हुआ है उस वक्त आप जिस बारे में सोच रहे हैं क्या वो विश पूरी होगी या नहीं। तो हम पहला कार्ड निकालेंगे उन लोगों के लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर में आता है। ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, जो ऑड नंबर की डेट पे जिनका बर्थ हुआ है उनके लिए। और सेकंड कार्ड उनके लिए निकालेंगे जिनका डीओबी इवन नंबर में आता है, 2, 4, 6। ओके, सो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे वो व्यूवर्स जिनका डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर में आता है, 1, 3, 5, 17, 19, किसी भी डेट में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी विश पूरी होगी या नहीं। ओ कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर में आता है और अभी आप जो भी सोच रहे हैं वो विश यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है। आपका बर्थ किसी भी मंथ में, आपका जो बर्थ डेट है वो 1 तारीख, 3 तारीख, 5, 19, तो आपके लिए बिग यस है। और आप जो सोच रहे हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से वो इवेंट आपकी लाइफ में होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देख लेते हैं उन लोगों के लिए जिनका बर्थ डेट 2, 4, 6, 8 इस तरह का है, वो इस वक्त जिस विश के बारे में सोच रहे हैं क्या वो पूरी होगी। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं जिनका बर्थ डेट इवन नंबर में आता है। आप अपनी विश के बारे में सोच सकते हैं इसे देखते हुए। ओके, सॉरी। सो आपके लिए दो कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिस विश के बारे में आप अभी सोच रहे हैं वहां पे आप पूरी तरीके से सिचुएशन में स्टक हैं, बट आपकी सिचुएशन चेंज होगी और आपकी विश बहुत ही बिग कंफर्मेशन के साथ पूरी होने वाली है। अभी आप स्टक महसूस कर रहे हैं लेकिन ये सिचुएशन टेम्परेरी है और आप एक मैजिशियन है, आपकी लाइफ में जो चाहिए वो आप क्रिएट कर लेते हैं। सो इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।